Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस ऑटो लॉक्स में। और आप जैसा देख सकते हैं, मेरा जो अटायर है इट इज नॉट फॉर रॉयल एनफील्ड। एक्चुअली आज ग्लेंजा का भी लॉन्च था एंड आई वाज सपोज टू गो देयर, लेकिन हो नहीं पाया वो पॉसिबल। पहले जो है रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 का लॉन्च हुआ तो मुझे यहाँ आना हुआ। एंड आप मुझे बोलेंगे कि मैम हील्स पहन कर आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आई वॉज नॉट प्लान फॉर दिस लॉन्च। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, फाइनली स्क्रैम 411 आ गई है। यसडी का स्क्रैम्बलर का जो है आपने वीडियो ऑलरेडी देखा था, तो नो डाउट मुझे अंदाजा था कि रॉयल एनफील्ड जो है बहुत जल्दी स्क्रैम वर्जन जो है वो लेकर आएगी। मैं इसको स्क्रैम्बलर बोलना इसलिए प्रेफर नहीं करूंगी बिकॉज दिस इज अ अर्बन वर्जन ऑफ हिमालयन। आप हिमालयन को अगर देखेंगे तो हिमालयन इज मोर ओवर टुवर्ड्स ऑफ रोडिंग। आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर लद्दाख जाने वाले दे लव हिमालयन, वो उसी के लिए बनी हुई है। 21 टायर साइज जो है एंड उसका जो पॉस्चर है वो मोर ओवर ऑफ रोडिंग वाला है। लेकिन अगर आप बात करें स्क्रैम की, तो ये बनाई गई है अर्बन पर्पज के लिए, रोड फ्रेंडली है। अगर आप माइल्ड ऑफ रोडिंग करना चाहें, लेकिन क्योंकि इंडिया में बहुत ज़रूरत पड़ती है टफ रोड्स को पार करने की, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगी। और इसका जो डिज़ाइन है, इसके जो टायर प्रोफाइल है, इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो कि आपकी ज़रूरतों को, जो कि डे टू डे लाइफ में आपकी ज़रूरतों को जो है फुलफ़िल करती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं हद तक जो है आपको हिमालयन वाली मिलेगी, तो आपका दोनों पर्पस जो है सॉल्व हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट आ जाते हैं इसके वेरियंट्स पर। तो वेरियंट्स इसके अंदर एक्चुअली कलर पर, आप जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड जो है कलर पर डिपेंड करता है, जो प्राइस है वो भी कलर पर डिपेंड करेगी। तो इसके अंदर 7 कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जिसमें से 3 ग्रेफाइट कलर्स आपको मिलेंगे एंड 4 जो है डुअल कलर कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे। तो इसका जो प्राइस लाइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर प्राइस की बात करें तो 249,000 जो है ग्रेफाइट लाइन का आपको पड़ेगा ऑन रोड। अगर आप राजस्थान में हैं मोस्टली जहाँ पे भी आप हैं तो आपको वही प्राइस पड़ेगा। अगर आप स्काईलाइन ब्लू एंड ग्लेजिंग ब्लैक पर जाते हैं तो आपको जो प्राइस है ऑन रोड पड़ेगा 251,000। एंड अगर आप जाते हैं व्हाइट फ्लेम एंड सिल्वर स्प्रिट पर, जो कि ये दो कलर वाइज प्राइस हैं, तो ये जाएगा आपको 255,000 दोनों का जो प्राइस है। तो प्राइस वाइज आपको इस तरीके से मिल जाएगा। मुझे देखना पड़ा क्योंकि मेरे लिए भी कन्फ्यूजन था बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ आपको मिलती है बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं इसका वॉक अराउंड एंड आई लव दिस। नो डाउट अगर इसका अपीयरेंस की बात करें तो ये कहीं कहीं ज़्यादा यसडी से ज़्यादा अपीलिंग लग रही है मुझे। अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या रॉयल एनफील्ड नया लेकर आई है। जल्दी से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं यहाँ से वॉक अराउंड एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर दो कलर है। कलर ऑप्शन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 7 मिल जाएंगे। टॉप जो है ग्रेफाइट एंड उसके अंदर आपको ये है कि यहाँ पे जो टैंक है पूरा एक कलर का मिलेगा एंड यहाँ पे आपको दो कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब ये छोटा सा जो पार्ट है दैट वुड बी इन कलर्स। तो 3-4 कलर इसके अंदर अवेलेबल होंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। उसके साथ में अगर साइड में फ्रंट से जो है स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले, कि इसका आपको काउल जो है फ्रंट पे आपको ये मिल जाएगा काउल डिज़ाइन के अंदर, जो कि एक मतलब एक सिग्नेचर स्टाइल है इसके हेडलैम्प का रॉयल एनफील्ड के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर आपको विंड स्क्रीन नहीं मिलेगी। फ्रंट में देखिए तो इस टाइप का इसका लुक आएगा एंड मोर आप सकते थोड़ा रगड़ लुक है। जैसा मैंने आपको बताया कि अर्बन स्टाइल पर है, लाइक अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहें, माइल्ड ऑफ रोडिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एंड अगर आप रोड स्ट्रीट के अकॉर्डिंग करना चाहते तो आप स्ट्रीट के अकॉर्डिंग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मोर अर्बन फ्रेंडली बाइक इसे बनाया गया है। नीचे की तरफ आते हैं तो टेलीस्कोपिक आपको इसके अंदर फोक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है फोक के कवर भी मिल जाएंगे, रबर कवर मिल जाएंगे ताकि डस्ट जो है वहाँ तक नहीं जा पाए। यहाँ पे आपको नीचे आपका इंजन सपोर्ट मिल जाएगा। एंड रियर की तरफ चले तो रियर आपको जो है रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएंगे। इस टाइप से कुछ आपको एग्जॉस्ट मिलेगा एंड एग्जॉस्ट नोट भी हम सुन लेते हैं। तो ABS है, डुअल चैनल ABS आपको इसके अंदर मिल जाएगा, बट वो स्विचेबल नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप स्विच नहीं कर सकते हिमालयन की जैसे। आपको जो है फ्रंट बीक जो है वो मिसिंग मिलेगी हिमालयन से, अगर हम कंपेयर करें इसको। ज़्यादा इसका कंपैरिजन हिमालयन से नहीं करेंगे, बट हाँ क्योंकि ये सिस्टर है हिमालयन की, तो इस वजह से थोड़ा सा कंपैरिजन हल्का फुल्का मैं ज़रूर करूँगी। यहाँ पे आपको सिंगल डिस्क मिल जाते हैं, डुअल चैनल ABS मिलेगा, 19 इंचेस के आपको टायर मिल जाते हैं, स्पोक व्हील्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। साइड में आए तो इंजन की लोकेशन आपको यहाँ पे इस टाइप से मिल जाती है। 411 CC का यहाँ पे इंजन मिलेगा, 24.5
3.3 आपको BHP एंड 32 NM टॉक मिल जाएगा। यहाँ पे आप इस टाइप से कुछ लोकेशन आएगी, इस टाइप से एग्जॉस्ट आपको मिल जाएगा। एंड इधर जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल का स्टाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज़ रियली गुड। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट हो जाता क्योंकि हीट के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल इट्स वेरी नाइस। जो डिज़ाइन लाइन है उसमें कोई कमी नहीं रखी गई है। एंड 15 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा। तो इस साइड में आप देख सकते हैं कि अगर आप हिमालयन में देखेंगे तो आपको स्प्लिट सीट्स मिलेंगी, बट यहाँ पे आपको एक सिंगल सीट मिलेगी। एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड कुशन आपको मिल जाएगा। इस टाइप से आपको यहाँ पे स्क्रैम 411 की बैजिंग मिल जाएगी, रॉयल एनफील्ड की लुक। तो ये डिज़ाइन में कोई कमी नहीं है, लुक बहुत ही हटकर है। अगर मैं कंपेयर करूँ यजदी स्क्रैम से तो उससे ज़्यादा खूबसूरत ये लग रही है। पीछे की तरफ देखें तो पीछे जो टायर की प्रोफाइल है वो 17 इंचेस की मिलेगी। एंड आप टायर देख सकते हैं, मोर ओवर जो ऑफ रोड वाला जो प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है ग्रैप रेल जो है वो जो प्रॉपर पायनियर के लिए जो जगह मिलती थी हिमालयन में, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। पीछे भी थोड़ा सा जो है, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो कम कर दी गई है, 795 है। और अगर हिमालयन की बात करें तो आपको 800 mm जो है सीट हाइट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 mm का इसके अंदर मिल जाएगा। क्या कि इसके अंदर हेलोजन हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। एंड आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको हैंडल बार मिलेगा। एंड राउंड शेप के जो रॉयल एनफील्ड के आपको मिट्टी और या फिर 350 के अंदर देखने मिलेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पे जो है मिरर्स भी मिल जाएंगे। साइड मिरर्स भी हम देख लेते हैं तो हैंडल बार का जो पोजीशन है अपराइट है। अगर हिमालयन से कंपेयर करें तो हिमालयन का ज़्यादा अपराइट साइड पे है, क्योंकि वो मेजरली बनाई गई है ऑफ रोड पर्पज़ के लिए, लद्दाख में जाने के लिए। बट कुछ कंप्लेंट्स थी, जैसे कि अगर जो लोग ज़्यादा ऑफ रोड नहीं करते हैं, वॉट अबाउट देम, दे लाइक हिमालयन बट दे डोंट वॉन्ट टू गो फॉर हिमालयन बिकॉज क्योंकि उसका पर्पज़ सॉल्व नहीं हो पाता। एंड दैट इज़ नॉट अ रोड फ्रेंडली कार, तो वो पर्पज़ जो है सॉल्व करने के लिए बाइक यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लस्टर पर, तो यहाँ पे आपको डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिक चीज़ें जितनी भी हैं, मतलब जो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, कोई ऐसा कोई तामझाम वाला सिचुएशन नहीं है कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन 350 और मिटियोर की तरह जो टर्न बाई टर्न नेविगेशन का जो पार्ट है वो आपको अलग से इसके अंदर फिटमेंट करवाना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बाइक, वो एक्सेसरी का पार्ट है, उसको आप अलग से फिटमेंट इसके अंदर करवा सकते हैं। यहाँ पे ये सारा इस टाइप से इसके लोकेशन आएगा। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो मेजर जो है ये चीज़ें आपको इसके अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास में हिमालयन है एंड आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एंड यू वांट टू गो फॉर स्क्रैम्बलर, तो क्या हिमालयन की जो एक्सेसरीज हैं, या जैसे पायनियर है, या फिर आप उसके अंदर वाटरप्रूफ जो लगेज का पैनल है, या फिर आप जो सिटिंग है, क्या यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आप हिमालयन की कोई भी चीज़, कोई भी एक्सेसरीज के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। आपको इसके लिए अलग से फिटमैक लेना पड़ेगा। रीज़न ये है क्योंकि डायमेंशन में काफ़ी फ़र्क है और काफ़ी जो डिज़ाइन लाइन है उसके अंदर काफ़ी चेंज है, तो आप वो वाली एक्सेसरीज इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड ये थी हिमालयन, इसके राइड है वो भी बहुत जल्दी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। आज क्योंकि लॉन्च है इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है रिलेटेड टू रॉयल एनफील्ड बाइक, तो आप जयपुर बाइक कंपनी के अंदर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड का शोरूम है जगतपुरा पे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स एंड अंकित का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आपकी आप आके स्क्रैम 411 देख सकते हैं। प्लस आप राइड भी एक दो दिन में उसका ले सकते हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी बाइक्स हैं, आप यहाँ पर आराम से आके जो भी इंक्वायरी आपकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बाइक को। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर एंड जो शोरूम की डिटेल है वो मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। सब्सक्राइब करना मत भूला, लाइक करना मत भूला, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूला। Thank you so much.